जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे आदरणीय कपिल मिश्रा जी का और एडवोकेट सुधा जोशी जी का और रसिला बेन शाह जी का और पूरी द कन्वर्जन मूवी जो प्रैक्टिकल वे में जो आज हम मैसेज यूथ को देना चाहते हैं वो बड़े पर्दे में आपको हर थिएटर में देखने मिलेगी, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसी पूरी टीम को मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सभी मीडियाकर्मियों के माध्यम से, कि इन्होंने जो देश का सच है जो कहीं ना कहीं छुपाया जाता है हमेशा, वो सच को हर युवा के सामने, देशवासियों के सामने उजागर करने की पहल की है इस मूवी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम युवा के माध्यम से तो पूरे मुंबई भर में जाएंगे इस बात को लेकर, लेकिन जो मुंबई का युवा वर्ग है जब द कन्वर्जन फिल्म देखेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी और कहीं ना कहीं लव जिहाद के मुद्दे पे काम करने के लिए सक्षम रूप से युवा जमीनी स्तर पे उतर के ये लव जिहाद का जो बीमारी है उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में आगे आएगा। सर, आज इस विषय पे चर्चा की आपने, कदा हाथ में दी है, हनुमान चालीसा पर काफी बवाल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसके बारे में कपिल जी ने बहुत ही बढ़िया एक बात कही, गदा देने का खास मकसद और भी कुछ चीज दे सकते थे आज, खास नहीं हनुमान जी का ऐसा है कि बड़ी दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर और खास करके महाराष्ट्र जैसे एक युवा होने के नाते, एक मुंबई का युवा होने के नाते मैं आज देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है कि जो ये सरकार है महाविकास अघाड़ी की, इसके नेता तू चल में आया ये प्रक्रिया लगाई है, तू चल जेल में, मैं पीछे दूसरा मंत्री आ रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया के चलते हुए भी बेशर्मों की तरह हनुमान चालीसा जब कोई जनप्रतिनिधि पढ़ने की बात करते हैं तो उसे किस तरीके से झूठे आरोपों के साथ फंसाया जा रहा है। तो जो बबलू शेख नामक जो एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, ऐसे कपिल मिश्रा जी ने कहा, मैं इसकी पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से लेकर, और कहीं ना कहीं बबलू शेख को घर बैठाने का काम ये महाराष्ट्र की जनता करेगी आने वाले दिनों में, ये मैं बता रहा हूँ। उसके अंतर्गत लव जिहाद के ऊपर आज चर्चा रखी गई है और ये खास इसलिए भी है क्योंकि लव जिहाद के ऊपर एक फिल्म आने वाली है द कन्वर्जन, उसकी पूरी कास्ट, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट सब यहाँ पर मौजूद है। और भाजपा युवा मोर्चा ने ये शुरुआत की है महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि लव जिहाद के विषय पर चर्चा हो, खुलकर संवाद हो और इसके बारे में एक जन जागरण हो समाज में। लव जिहाद को आप किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना, लव जिहाद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लव जिहाद एक गंभीर समस्या है और समाज में बेटियों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है लव जिहाद। केरल के हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में कानून बनाया है। मोनिका अरोड़ा जी जो एडवोकेट है, उनकी एक पूरी किताब है जिसमें लव जिहाद के केसेस को डॉक्यूमेंट किया गया है। ये जो फिल्म है ये भी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज को कंपाइल करके उनसे इंस्पायर होकर बनाई गई है। मुझे लगता है कि झूठ बोल के पहचान को छिपा के किसी से प्रेम संबंध बनाना, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए उसको जबरदस्ती करना और अंत में अत्याचार करना और कई मामलों में हत्या तक कर देना, ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के लगभग हर शहर में, हर राज्य में देखने में आ रही है। अभी पिछले हफ्ते ग्वालियर में इस प्रकार का मामला देखने में आया, तो ये एक वास्तविक समस्या है और समय आ गया है कि समाज इसके बारे में खुलकर चर्चा करे, संवाद करे। इस फिल्म के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे पहले ही फिल्म आई है कश्मीर फाइल, तो बीजेपी के लिए बिल का पत्थर साबित हुई है, और ये फिल्म से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, फिल्म विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर है उन्होंने बनाई है, हमारे बीच में मौजूद है राज पटेल जी, विपुल पटेल जी इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रतीक और रवि जिन्होंने एक्टिंग की है दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि फिल्में समाज की, समाज का सच सामने लाने वाली होनी चाहिए। बॉलीवुड का एक इतिहास हो गया था फिल्मों को झूठ का एजेंडा बनाने का, झूठ को बेचने का, अब वो बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है कि ऑडियंस भी बदल गई है। कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया क्योंकि कश्मीर के बारे में जो झूठ बोला जाता था उसका सच अब देश को, दुनिया को पता लगा है। ये फिल्म भी मुझे लगता है कि उसी प्रकार से देश की जनता पसंद करेगी, देखेगी, क्योंकि हमारी बेटियों के ऊपर हो रहे बहुत बड़े अत्याचार जिसके बारे में दबी जुबान से चर्चा होती थी, अब खुल के लोग बात करेंगे और जानेंगे।